आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 32,000 एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। 2051.2, 2050.50, 2025.2, 2500, 1.20। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताया है 32,000 है, 10% रेट है और 4 ईयर्स टाइम है। तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लिया है कि 32,000 इसने जमा किया, 32,000। पहले साल में इसको अमाउंट A1 मिला होगा 10% के रेट से, दूसरे साल A2 मिला होगा इस प्रिंसिपल पे A1 पे, फिर A2 पे A3 मिला होगा और A3 पे A4। 4 साल की बात है, A1, A2, A3, A4 मिला। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जो मेथड मैं यूज़ करूँगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड नहीं करेंगे, ये सारे अमाउंट्स हम लिखेंगे नहीं, A1, A2, A3, A4। हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का निकालते रहेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल टू अमाउंट, ठीक है, और ये अमाउंट A1 टू A2, A2 टू A3, A3 से A4 जो 10% है वही आपका CI में भी रहता है। जैसे 32,000 का 10% आया 3200, ठीक है, उसका नेक्स्ट जो आएगा 3200 प्लस 320 उसका भी रेट कितना चेंज होगा, 10% होगा। तो आइए धीरे धीरे इसको समझिए। ठीक है, तो 4 एरोज हैं 4 ईयर्स की। पहले साल का इसने क्या मिला, 10%, 3200 का 10%। अब मैं इस अमाउंट को इसमें ऐड करके A1 नहीं लिखूंगा, अमाउंट वन नहीं निकालूंगा मैं। ठीक है, तो अमाउंट A1 नहीं निकालूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसी 3200 का 10% निकाल के इसी में ऐड करके दूसरे साल का CI निकालूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट CI टू CI भी सेम चलता है और अमाउंट टू अमाउंट भी 10% चलता है। तो इससे हमारे CI में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए 10% है। तो ऐसे केस में आप 10-10% करते जाना। तो यहाँ पे देखिए 3200 है, उस पर मेरे को 10% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 3200 पे 10% कितना हो गया, 320। 320 प्लस अभी इसमें ये क्या प्रिंसिपल अमाउंट है 3200, तो 3200 प्लस इस पर इंटरेस्ट 320, 3520। ठीक है, इसी तरीके से मैं तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूँगा। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है हर साल का, मीन्स अगर आप यहाँ पे अमाउंट में ऐड करते, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको अमाउंट में ऐड करते, दोनों का डिफरेंस भी क्या आता, थ्री ए टू माइनस ए वन क्या आएगा आपका, 3520। ए वन माइनस 3200 कितना आएगा, 3200। ठीक है, तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि A3 माइनस A2 मीन्स दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम 3520 का 10% फिर से निकाल के इसको ऐड कर लेंगे, 352 इसका 10% है प्लस 3520। ठीक है, तो हमें तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 3872। उसी तरीके से मेरे को फोर्थ ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अब क्या करेंगे, 3872 का 10% लिख लेंगे और इसमें 3872 ऐड कर लेंगे, तो फोर्थ ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो देखिए फोर्थ ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है 4259.2। अब हमें चारों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, मीन्स चारों साल के कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गए। ठीक है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हम इससे निकाल सकते हैं कि कितना इसको शुरुआत से मिला है, तो चारों साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐड कर लीजिए, 3200 पहले साल का, 3520 दूसरे साल का, 3872 तीसरे साल का और 4259.2 फोर्थ ईयर का। चारों को ऐड करेंगे तो आपका 14851.20 आया। ये तो हो गई हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तो बोल रहे हैं कि SIB चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें बताना है यहाँ पे। तो SI कैसे निकलेगा, तो पहले साल का आपको पता है कि 3200 है, तो पहले साल का जो SI रहता है और CI रहता है दोनों बराबर रहते हैं। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे और CI भी निकालेंगे पहले साल का, एक साल का, तो क्या होगा, 3200 ही होगा, 3200 किसी भी केस में। पहले साल का CI और SI बराबर रहता है, तो अगले साल भी क्या होगा, SI 3200 होगा, तीसरे साल भी 3200, चौथे साल भी 3200।
ठीक है, हर साल 3200 होता है सही, क्योंकि यहाँ पे आपका सक्सेसिवली इंटरेस्ट जुड़ता नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा आपका स्टार्टिंग वाला रहता है। तो हमारा SI कितना हो जाएगा, हर साल के लिए 3200 ऐड कर लेंगे 4 बार, ठीक है, या 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 3200 × 4 12,800, ठीक है, 12,800। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस सीधा से निकाल के यहाँ पे आंसर चेक कर लेना है। यहाँ देखिए 0.20 है, तो ऑप्शन में भी तीनों में 0.20 है, तो और यहाँ पे लास्ट में 51 है और यहाँ 20 है, तो सीधा से आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 51, बाकी आप आगे इसको कर सकते हैं माइनस। तो 14,851.20 -12,800, आपका आ गया 2,051.2, ऑप्शन ए। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। अब हम इस पे CI ट्री वाला मेथड, ट्री मेथड भी यूज़ करके देखें, जो कोड यूज़ करते हैं हम उसको, वो वाला मेथड भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, जिससे आप इसको फटाक से कैसे कर सकते थे, और फॉर्मूले से भी हम देखेंगे। तो अब हम अगला मेथड जो देखेंगे फॉर्मूला, फिर उसके बाद ट्री मेथड। तो देखिए यहाँ पे CI और SI का फॉर्मूला आपको सीधा से पता होना चाहिए। CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जब हम निकाल लेते हैं उसमें से हम जो प्रिंसिपल घटाते हैं तो हमारे पास बचता है CI, और ये अलग कलर में जो हमने लिखा है वो SI है, ठीक है, ठीक है, ये SI है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज़ को डाल देते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है, टाइम पीरियड भी दिया गया है, तो सीधे से वैल्यूज़ को आप इसमें डाल दीजिए। प्रिंसिपल हमारा 32,000, रेट हमारा 10%, टाइम हमारा 4 है ही, माइनस प्रिंसिपल 32,000, पी की वैल्यू माइनस PRT, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, ठीक है। बस इसको अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये आपको ब्रैकेट के अंदर 11/10 हो जाएगा, टू दी पावर 4 -32,000 -32,000 × 4 × 4/100, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप पिछले सॉल्यूशन में जो आया था आपका, देखिए 14,851.2 आपका जो CI आया था, -12,800 जो आपका SI आया था, जैसे पिछले सॉल्यूशन में आया था, बाकी आपने इसको सॉल्व किया था, आपका आंसर आया था 2,051.20, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही आएगा, ऑप्शन ए। ये तो हो गया फॉर्मूले से आपने कर लिया। अब हम कोड मेथड देखेंगे, जो कोड हम यूज़ करते हैं CI ट्री कोड, ठीक है। तो हम जैसे कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं इससे पहले आपको बस, अगर आप ये मेथड देख रहे हैं तो इससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप थ्योरी कम से कम ट्री मेथड की कवर कर लें किसी दूसरे यूट्यूब चैनल में। हालांकि मैं थ्योरी कवर नहीं की है, मैं खाली मेथड यूज़ करके आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ कि उस मेथड से आप इसको कैसे कर सकते थे, और हो सकता है कि बहुत से चैनलों में इस मेथड को यूज़ ना किया गया हो, लेकिन इस मेथड से आप कैसे इसको कर सकते थे CI ट्री कोड्स को, ठीक है। तो मैं आपको कोड्स ये बता देता हूँ। 2 साल के लिए होता है CI ट्री कोड 2-1, जिसमें 2 आपको SI भी डिनोट करता है, ठीक है, और फिर आपके लिए आता है 3 साल का कोड, उसमें होता है 3-3-1, और आता है 4 ईयर्स का कोड 4-6-4-1। तो मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें CI ट्री मेथड काफ़ी यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 4-6-4-1 है आपका 4 साल का CI निकालने के लिए, ठीक है। और तो CI इस कोड से कैसे निकलता है, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए टेबल मैंने बना रखी है, और इस टेबल में मैंने पहले ही डेटा को डाल दिया है, ठीक है। तो CI कोड को मैंने यहाँ पे लिख लिया, जैसे कि आपको 4 ईयर्स का CI निकालना है, ठीक है, तो 4-6-4-1 ये हो गया आपका 4 साल का CI, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10% इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अब क्या करेंगे, इसी के पैरेलल में 10% हम ऊपर वाले अमाउंट का निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट का आपको 10% निकालना है और यहाँ पे लिख लेना है 4 के सामने, तो 4 के सामने कितना हो गया, 32,000 का 10%, 10% निकालना बहुत ईजी होता है, सीधा से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो 3,200, ठीक है। फिर इसका 10% निकाल के नीचे लिखना है 320, 6 के सामने, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 32, 1 1 0 कम होते जाएगा, फिर यहाँ पे 1 के सामने जो आएगा नीचे सबसे लास्ट में 3.2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 4-6-4-1 हम कोड यूज़ कर रहे हैं 4 ईयर्स का, हम 10% डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालते जा रहे हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ का। अब आप क्या करेंगे,
सामने सामने की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एक अलग कॉलम में लिख लें। तो यहाँ पे देखिए 4 × 3200 12800। हालांकि ये वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत थी तो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। 6 × 32 320 1920, 4 × 32 128 और 1 × 30.2 3.2, ठीक है। हमारी यहाँ वैल्यूज आ गई मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये देखिए, ये जो हमारी टोटल सीआई की वैल्यू आ गई है इतनी, ठीक है, 12800 1920 120, ये टोटल सीआई की वैल्यू है, ठीक है। तो इस सीआई में एक बात हमारी जो है, जो सीआई में ये है हमारा 12800, ये एसआई में भी होगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी 12800 होगा, सीआई में भी है। जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है हमारी, जो डिफरेंस है वो इतना है नीचे की तीन वैल्यूज़, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे 12800 प्लस 1920 128 3.2, ये आपका टोटल सीआई आ जाएगा। इसमें से आपको फिर एसआई घटाना होगा। एसआई निकालेंगे इसमें से तो एसआई भी आपका कितना होगा, 1280 होगा। तो आप उसको घटाएंगे तो बात आपका यही बचेगा, ये तीन कॉलम। इसलिए इस वैल्यू को हमें ऐड करना नहीं है जब डिफरेंस पूछ रहा है तो सीआई एसआई का। सीधे से आप ये तीन कॉलम को, तीन रोज को ऐड कर लें, 1920 128 3.2, तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा 2051। देखा, तो इस मेथड से आप बहुत जल्दी ही, अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जैसे 10%, तो फटाफट इसके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ दूसरे वैल्यूज आ गए हैं इंटरेस्ट रेट के तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये उसमें कंपैरेटिवली क्विक है कोड मेथड सीआई निकालने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।